गर्ल्स पावर लेडीज जिम, जहां कार्डियो वेट मैनेजमेंट, फ्लोर एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ और पर्सनल ट्रेनिंग, बेसिक डाइट एंड इंच कार्ड विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जिम ट्रेनिंग कोर्स पर 20% ऑफ, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और फुल बॉडी चेकअप। साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% ऑफ। फिटनेस एंड ब्यूटी लवर्स की पहचान है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ज्वाइन गर्ल्स पावर, बी फिट बी फैबुलस। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अवैध निर्माण के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वसीम सैयद और सलमान रिजवी, ये भूख हड़ताल पर बेमुद्दत बैठे हुए हैं मुमरा प्रभाग समिति के सामने ही। और ऐसे में आज वहां पर कांग्रेस के नेता विक्रांत चौहान और कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवहाट भी यहां पर पहुंचे थे इन्हें समर्थन देने के लिए। इस दौरान विधायक जितेंद्र अवहाट ने अपने विरोधियों पर कड़ा निशाना साधा है। जितेंद्र अवहाट का साफ तौर पर कहना था कि अवैध निर्माण के खिलाफ वो कई बार ट्वीट कर चुके हैं और ख़ास तौर पर उनका कहना था कि जो शिंदे गुट शिवसेना की शाखा बनाई जा रही है उसको लेकर, वहाँ की वीडियो लेकर उन्होंने कई बार ट्वीट किया, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विधायक जितेंद्र अवहाट का कहना है कि ये अंधेर नगरी बन चुकी है, मुमरा पुलिस स्टेशन कोई और चलाता है, यहाँ का कमिश्नर कोई और बन गया है, झूठे FIR दर्ज हो रहे हैं, इस तरह का आरोप विधायक जितेंद्र अवहाट ने लगाया है। साथ ही अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए जितेंद्र अवहाट ने कहा कि इन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना है, इसीलिए मैं शांत बैठा हूँ और जल्द ही फैसला होगा और अगली सत्ता वो हमारी होगी। जितेंद्र अवहाट ने क्या कुछ यहाँ पर विरोधियों पर निशाना साधते हुए और कहा आगे, वो हम आपको सुनाते हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वसीम सैयद 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं अनधिकृत बांधकाम को लेके, जिसके ऊपर मैं भी लगातार ट्वीट करते आ रहा हूँ, पर ये अंधेर नगरी बन गई। जिसकी बिल्डिंग नहीं चाहिए वो टूट जाती है और जिसको बिल्डिंग बनाने देनी है वो बराबर बनती है, क्योंकि थाना मुमरा का कमिश्नर कोई और है, मुंबई का मुमरा का पुलिस स्टेशन कोई और चलाता है, इसके कारण महानगर पालिका के ऑफिसर से कोई उम्मीद ही नहीं है, ना तो पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद है। इसके ऊपर भी झूठा केस बनवा देना, अर्जी पे केस बनवा देना, जो कभी मुमरा में हुआ ही नहीं था 14-15 साल में, वो सब देख रहा हूँ। मैं शांत बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा जाना नहीं है हमको, जल्दी फैसला हो जाए और अगली सत्ता तो हमारी ही आएगी। मैदान नज़दीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जैसे पहले भी मैं कुछ नहीं बोलता था, लेकिन शहर शांत था। अब तो यात्राएं निकलती हैं, नाचते गाते जाते हैं, उसमें लोग शामिल भी होते हैं, जो मुमरा में कभी भी नहीं हुआ था वो गले एक साल में होने लगा है। इसे मुमरा का माहौल खराब करने का काम कुछ लोग करना चाहते हैं। मैं शांत इसलिए बैठा हूँ कि मुमरा को मुझे शांत रखना है, मुझे मुमरा में कोई भी गलत चीज होने नहीं देनी है, और जो गलत चीज करवाना चाहते हैं वो जानबूझकर करवाना चाहते हैं, क्योंकि मुमरा उनके हाथ में नहीं, लोग उनके साथ में नहीं। ठीक है, देखते हैं कितना दिन ये सब चलता है। फिर यहाँ पर जो पोस्टर लगा उसमें 4 मुद्दे है, स्कूल, अस्पताल, प्लेग्राउंड और गार्डन, क्या है क्या बाकी, किधर है दिखाओ ना मेरे को, प्लेग्राउंड गार्डन किधर बाकी है क्या? ये तो मैं आने के पहले ही खा चुके थे, ये तो वसीम सैयद भाई को अभी पता चला है, ये जो इधर के भाई दादा थे ये सब लोगों ने मेरे आने के पहले ही खाया है सब। अभी जितना बचा है उतना तो बचा के रखो, लेकिन महानगर पालिका को उसके बारे में बोलो तो भी ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है। सर 3 दिन हो गया, 3 दिन के बाद यहाँ पर कोई आने को तैयार नहीं, पूछने को तैयार नहीं है। कौन पूछेगा, तुमको उम्मीद है क्या कोई आएगा, वसीम भाई क्या चालू है, हम देखते हैं जरा, कुछ नहीं, किसको कुछ पड़ी नहीं, बाड़ू पिछड़ तो बाजू में बैठता रहेगा ना। 3 दिन के बाद इधर है,
अभी ये पहली बार आया ना, कल आ गए तो इनको पूछो ना शाखा का क्या हो रहा है, ये बताएंगे। इतनी बार कंप्लेंट किया गया, पूछो अभी शाखा का क्या हो गया, सामने खड़े लिखित दिया सामने। अरे तुम शाख बैठो ना भाई, जरा पूछो ना उनको, पूछो ना मेरे को क्या पूछो, क्या बोल रहे हो वरिष्ठ डिसीजन चर्चा करो, यानी इसका मतलब है कि वरिष्ठ बोल रहे तोड़ो मत, क्या बोले वो वरिष्ठ के। अब इनको हक पहुंचेगा क्या, कोई भी अनधिकृत बांधकाम तोड़ने का जाएंगे क्या, वो नोटिस देख पाएंगे क्या? जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि समान न्याय, एक को एक न्याय और दूसरे को दूसरा न्याय नहीं लग सकता है। अगर दिन रात वो शाखा बंद रही है और बिचारे पीछड़ क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, छोटा अधिकारी है। कहाँ गया मनीषपुरे मनीष जोशी, कहाँ गया गोदापुरे, और कहाँ गया अजीत अभिजीत बांगर, जरा पूछो। मुमरा वाले भी तो छोटे को घेरते हैं, बड़ों को छोड़ देते हैं। तो आगे किस तरीके की आपकी सपोर्ट रहेगा? मेरा तो सपोर्ट, मैं पहले दिन से झगड़ रहा हूँ, मैं बिना सपोर्ट के झगड़ता हूँ, मैं सपोर्ट विपोर्ट के लिए जाता नहीं हूँ, अपनी लड़ाई ऐसी चालू रहती है।